हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम चॉकलेट केक कैसे बनाएं, और बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी और जिससे चॉकलेट केक कभी नहीं बिगड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम। मैंने पहले यहाँ पर कुकर गर्म होने रख दिया है, इसे हम 10 मिनट के लिए गर्म होने देंगे धीमी धीमी आँच पर। इसकी रबड़ और सीटी मैंने निकाल दी है, रबड़ और सीटी निकाल देंगे जब भी हम केक बनाएंगे तो। और इसके अंदर मैंने एक स्टैंड रख दिया है। जब तक हमारा कुकर गर्म हो रहा है तब तक हम केक का बैटर बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप चीनी, और मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 कप ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल लें, बस उसमें खुशबू नहीं होनी चाहिए। तो जो भी आप कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं उसको ले सकते हैं, और ऑयल की जगह आप बटर या घी भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ और इसे मैं इसमें डाल दूंगी। थोड़ा सा ऑयल लेकर हम इस डिब्बे में लगा देंगे, और जिसमें हमें केक को बेक करना है। तो बेक करने के लिए मैंने यहाँ पर एक स्टील का डिब्बा लिया है। तो आप भी इस टाइप का कुछ बर्तन ले सकते हैं, स्टील का बर्तन या एल्यूमिनियम का बर्तन। और इसके चारों तरफ अच्छे से इसे ग्रीस कर लेना है, तेल या घी कुछ भी लगा लेना है। इसे हम मिलाएंगे, और चीनी को मैंने पीसा नहीं है तो चीनी जो है वो हमारी केक का बैटर बनाते बनाते घुल जाएगा। तो इसके बाद हम इसमें बाकी सारी चीज़ डालेंगे। इसके बाद हमें इसमें डालना है 1/2 चम्मच वेनिला एसेंस, इससे इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच कोको पाउडर। दो चम्मच कोको पाउडर डालना है इसमें। इसे हम मिला लेंगे। इसे हम मिला लेंगे अब। ज़्यादा नहीं मिलाना है, लगभग 1 मिनट तक मिलाएंगे। इसके बाद हम इसमें मैदा डालेंगे। अब इसमें 2 कप मैदा डालेंगे हम। इसी कप से मैं नाप कर बता रही हूँ, ये चाय का कप है जो सबके घर में इजीली अवेलेबल होता है। तो मैं इसमें से 2 कप मैदा डालूंगी। ये मैंने डाला मैदा का 2रा कप, तो मैंने इसमें टोटल 2 कप मैदा डाल दिया है। अब मैं इसमें धीरे धीरे करके दूध डालूंगी और इसे मिलाते जाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 गिलास दूध। में डालें तो वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ठंडा फ्रिज में रखें दूध तो इसे आप हल्का गर्म कर लें। तो मैंने यहाँ पर लिया है दूध 1/2 गिलास। अब मैं थोड़ा थोड़ा इसमें डालते जाऊंगी और मिलाते जाऊंगी। तो हमें इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाना है धीरे धीरे और मिलाते जाना है। पूरा दूध एक साथ ना डालें तो बेटर ज़्यादा पतला हो सकता है। धीरे धीरे करके डालें, और कितना रखना है इसकी कंसिस्टेंसी वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे जैसे हम इसे घोलते जाएंगे इसमें जो शक्कर है वो अपने आप घुल जाएगा। आधा गिलास दूध में मेरा थोड़ा सा दूध बच गया है, और यहाँ पर जो आधा गिलास लगभग आधा गिलास दूध यूज़ हो गया है, तो यूज़ कर चुकी हूँ मैं इसमें, डाल चुकी हूँ। और इसके बाद मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ आपको, बस इतनी होनी चाहिए। देख सकते हैं आप ये कैसे गिर रहा है, रिबन की जैसी नीचे। बस इतना ही गाढ़ा होना चाहिए इसकी कंसिस्टेंसी, ज़्यादा पतला या ज़्यादा गाढ़ा इससे हमको नहीं करना है, नहीं तो हमारा केक जो है वो बिगड़ सकता है। और जो चीनी है इसमें वो घुल चुकी है, और यहाँ पर चीनी के एक भी क्रिस्टल नहीं दिख रहे हैं, तो मतलब चीनी जो है हमारी वो घुल चुकी है।
और अब इसके बाद मैं इसमें इनो और बेकिंग पाउडर डालूंगी। तो इसमें इनो डालने से पहले मैंने जो बर्तन लिया था उसमें ऑयल लगा दिया था। अब इसमें मैं थोड़ा सा मैदा डाल दूंगी। थोड़ा सा हम मैदा इसमें छिड़क देंगे और इसके चारों साइड इस प्रकार से हम इसे चारों साइड घुमा लेंगे। तो इसमें मैंने मैदा लगा दिया है चारों साइड। जो भी एक्स्ट्रा मैदा हो इसे आप निकाल लें, वापस बाहर निकाल लें। इसमें हमें इनो डालने से पहले ही बर्तन को तैयार करके रखना है। जैसे ही हम इनो डालेंगे, मिक्स करेंगे, उसके बाद हम तुरंत इसमें रखकर चढ़ा देंगे और देर नहीं करनी है, नहीं तो इसमें जो बुलबुले हैं वो खराब हो जाएंगे, ये इसके बुलबुले। तो इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। मैंने इतना लिया है बेकिंग पाउडर और 1 पैकेट इनो मैं पूरा डाल दूंगी इसमें। और इसी के ऊपर हमें डालना है 1 2 चम्मच दूध। जैसे ही दूध डालेंगे आप देखेंगे इसके ऊपर जो है वो झाग जैसा निकलता है और बहुत सारे बुलबुले निकलते हैं। जैसे ही ये निकले उसके बाद हमें इसे मिलाना है, तुरंत जल्दी जल्दी मिलाना है। और इसके बाद हल्के हाथ से मिलाएंगे और इसके बाद हमें इसे बर्तन में रखकर गैस पर चढ़ा देना है। इनो डालने से क्या होगा कि हमारा जो केक है वो अच्छा फूलेगा, उसमें अच्छी जाली बनेगी। और जो अब इसे मैं डाल दूंगी इसमें और डालने के बाद इसे हम चढ़ा देंगे कुकर में। इसे हमें गैस पर चढ़ाना है। सावधानी से चढ़ाएं, कुकर जो है वो बहुत गर्म होता है, बहुत ज्यादा, और अपने हाथ को बचाकर चढ़ाएं कुकर में। अब इसे हम कम से कम 30 मिनट के लिए धीमी धीमी आंच पर पकने देंगे और छोड़ देंगे। तो 30 मिनट तक इसे हमें खोलकर नहीं देखना है। केक को पकते हुए आधे घंटे हो गए हैं। अब मैंने कुकर खोलकर चेक किया है इसे और हमारा केक जो है वो पक चुका है। आप देख सकते हैं ऊपर तक आ गया है ये। और इसे मैं चाकू डालकर चेक करूंगी और अगर चाकू में केक हमारा नहीं आता है तो इसका मतलब केक पक चुका है। आप देख सकते हैं चाकू के साथ ऊपर केक नहीं आ रहा है तो हमारा केक पक चुका है। और इसे मैं निकाल लूंगी और ठंडा कर लूंगी। केक के ऊपर हम चॉकलेट की लेयर लगाएंगे और इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर डेयरी मिल्क चॉकलेट। और इसे मैंने टुकड़ों में तोड़ लिया है और मैंने यहाँ पर पानी गर्म होने रख दिया है। इसके अंदर मैं चॉकलेट को पिघलाऊंगी। तो हम इसे डबल बॉयलर यूज़ करके चॉकलेट को पिघलाएंगे और जब चॉकलेट हमारी मेल्ट हो जाएगी उसके बाद हम इसे केक के ऊपर लगाएंगे। तो पानी यहाँ गर्म हो रहा है और मैं इसके ऊपर चॉकलेट रख दूंगी। और कम से कम 2 से 3 मिनट लगेंगे और चॉकलेट हमारा मेल्ट हो जाएगा। मैंने इसमें 2 चम्मच दूध भी डाल दिया है और ये हमारा चॉकलेट सॉस बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास चॉकलेट सॉस है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप डेयरी मिल्क में दूध डालकर इसे मेल्ट कर लें। चॉकलेट है जो मेल्ट हो चुका है, अब मैं इसे केक के ऊपर फैला दूंगी। और केक है जो ठंडा हो चुका है और मैंने इसे निकाल लिया है और उल्टा कर कर हम इसे इसके ऊपर चॉकलेट फैला देंगे। तो हम इसमें चॉकलेट डाल देंगे इसके ऊपर और चारों तरफ से फैला देंगे चम्मच की सहायता से।
तो चॉकलेट की जो लेयर है वो इसमें लग चुकी है, और आप देख सकते हैं इस प्रकार से आप लगाइए, और साइड साइड से थोड़ा गिर रहा है तो ये बहुत अच्छा दिखता है देखने में। और इसके ऊपर आप कोई भी डेकोरेशन कर सकते हैं, कुछ भी डेकोरेशन का सामान लगा सकते हैं, जेम्स भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ लिटिल हार्ट के बिस्किट लिए हैं और इसे मैं इसको सजा दूंगी। इसे आप जैसे चाहे लगा सकते हैं और जो भी चाहे वो डेकोरेशन का सामान यूज कर सकते हैं। तो हमारा जो केक है वो बनकर तैयार है और देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। ये अच्छा सॉफ्ट बना है और जालीदार बना है, झटपट आसानी से बन जाता है ये। और इसके लिए मैं कुछ एक दो टिप्स और बताना चाहती हूँ आप लोगों को। तो वो है कि इसको इसका जो भी आप केक टिन यूज़ करें या कोई भी बर्तन यूज़ करें वो पतला होना चाहिए, जैसे कि स्टील या एल्यूमिनियम का, और ज़्यादा मोटा बर्तन यूज़ ना करें, उससे केक पकने में प्रॉब्लम होती है। और इनो डालने से, इनो ज़रूर यूज़ करें इसमें, इनो डालने से जो है जाली अच्छी आती है और केक हमारा जो बिगड़ने का कोई चांस नहीं रहता। तो आप भी बनाइए केक और एंजॉय कीजिए, और मैं इसे काट कर दिखाती हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसकी जाली दिखाती हूँ पास से, जरा देख सकते हैं कितना अच्छा जालीदार केक बना है हमारा, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, खाने में अच्छी जाली आई है इसमें। तो आप भी बनाइए इसे और एंजॉय कीजिए, और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी आपको तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पर। ओके बाय फ्रेंड। थैंक यू।